से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोर कोड क्लासेस में। और आज जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं एक मदरबोर्ड है, तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो इसी मदरबोर्ड से रिलेटेड होगा कि मदरबोर्ड पर जो बेसिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको किस तरीके से अटैच करा जाता है, यानी कि इस तरीके से हम उसे स्लॉट पर लगाते हैं, किस पर्टिकुलर स्लॉट को क्या कहा जाता है, उसमें नंबर ऑफ पेंस कितने होते हैं और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली आज ये पूरा वीडियो यही होने वाला है। और ये जो मदरबोर्ड पे जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो कहाँ पर है, किस तरीके से उसको अटैच करना है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसा इस मदरबोर्ड को देख पा रहे हैं आप, ये मदरबोर्ड पूरा, इस पर ये जो बड़ा सा फ़ैन लगा हुआ है, ये जो फ़ैन लगा हुआ है ये कहलाता है हमारा सीपीयू फैन। इसके नीचे जो एल्युमिनियम की डिस्क लगी हुई है, ये आप डिस्क देख पाएंगे, ये एल्युमिनियम की शीट जो लगी हुई है इसको कहते हैं हम हीट सिंक, जो हमारे सीपीयू को ठंडा रखती है। बेसिकली जब फ़ैन रोटेट होता है तो एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो सबसे जल्दी ठंडा होता है, तो जो हम हमारा सीपीयू वर्क करते हुए फंक्शन करते हुए हीटअप होता है तो ये उसको ठंडा रखने का काम करता है। ये आप 3 पिन का जो आप सॉकेट देख पा रहे हैं, 3 और 4 पिन का ये सॉकेट होता है, ये बेसिकली फैन का सॉकेट है जो पावर उसको पावर प्रोवाइड करता है। जब हम सीपीयू को कभी हमें निकालना होता है, सॉकेट से अलग करना होता है, डी अटैच करना होता है, तो हम सबसे पहले इस फैन को निकालते हैं। तो ये फैन का जो लॉक है, इस फैन के लॉक को हम सबसे पहले लॉक को ओपन करेंगे। तो ये लॉक को खोल दिया है मैंने एक साइड से, फिर इसको निकालेंगे और फिर ये दूसरी साइड से ईजिली पिन आउट हो जाएगा और फैन को आप इस तरीके से, तो ये देख पा रहे हैं ये फैन है। और फैन के नीचे जो ये है वाइट कलर का पार्ट, ये हीट सिंक कहलाता है। हीट सिंक, ये पूरा हीट सिंक है और इसके नीचे कूलेंट लगा हुआ है जो इसको ठंडा रखने का काम करता है। ये हमारा सीपीयू है, सीपीयू पूरा सॉकेट के अंदर लगा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए साइड में हैंडल होता है, इस हैंडल को हम ओपन करते हैं ये इस तरीके से और सीपीयू को वापस प्लग आउट कर सकते हैं। तो ये सीपीयू है, देखिए इसमें नंबर ऑफ पिंस आपको दिखाई दे रहे हैं और इस सीपीयू के ऊपर पूरा डिटेल्स यहाँ मेंशन होता है। जैसे अगर आप देख पा रहे हो तो इसके ऊपर AMD लिखा हुआ है, ये AMD कंपनी का सीपीयू है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो किसी किसी बोर्ड पर आपको इंटेल मिलेगा। और नीचे आप कट की पोजीशंस देख रहे हैं, ये कट की पोजीशंस हैं पिन के बीच में, ये यहाँ पर कट की पोजीशंस हैं, ये दोनों देख रहे हैं आप। और सिमिलरली हमें इसे सॉकेट पर भी इसी तरीके से अटैच करना होता है। तो बहुत क्वाइटली, बहुत आराम से इसको सीपीयू को अटैच करते हैं और ये अटैच करने के बाद वापस इस सॉकेट, यानी ये जो लॉक है सॉकेट के लिए, इसको वापस लॉकअप कर देंगे। लॉकअप करने के बाद फिर से आपको सीपीयू फैन लगाना होता है, तो सीपीयू फैन लगाने के लिए ये जो लॉक है इसके यहाँ सॉकेट में फंसाना है, यहाँ पर आपको इसको इसको यहाँ पे ऐड ऑन करना है और दूसरी साइड पर भी सेम इसको यहाँ लॉक करने के बाद ये लॉक हो गया है। अब इस लॉक से आप इसको क्लोज कर देंगे तो जिससे ये सीपीयू फैन वापस नहीं निकलेगा। ये जो फैन का जो सॉकेट है इसमें देखिए एक साइड पर प्लेन है और एक साइड पर ये लाइनिंग बनी हुई है, जिससे आपको ये आइडेंटिफिकेशन रहता है कि हम कभी सॉकेट को उल्टा ना लगाएं। तो बिल्कुल आप सीपीयू के पास में जो पिंस मिलेंगे आपको 4 पिंस, वहां पर जाकर इस सॉकेट को प्लग इन कर देंगे ये इस तरीके से। सीपीयू के पास में आपको ये रैम के 2 स्लॉट दिखाई देंगे। रैम को जब भी डी अटैच करना होता है तो ये साइड के लॉक्स होते हैं, इनको हम ओपन करेंगे इस तरीके से और रैम को प्लग आउट कर देंगे, यानी सॉकेट से बाहर आ जाएगा। ये है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही होता है। और रैम बेसिकली आप जैसा जानते हैं कि सीपीयू यानी हमारे सिस्टम की स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम लोग रैम यूज़ करते हैं। तो जहाँ जिन में जिन सिस्टम में स्पीड का थोड़ा इशू रहता है वहाँ पर आप रैम को इनक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप देख पाए तो ये 2 GB की रैम है फिलहाल, यहाँ पर इसमें मेंशन रहता है कितने GB है, तो यहाँ पर 2 GB लिखा हुआ है, 2 GB की रैम है। और आप 2 GB की 2 RAM लगा सकते हैं, 4 GB की 2 RAM लगा सकते हैं, तो रैम इंक्रीज होगा तो आपके सिस्टम की स्पीड भी इंप्रूव होगी। एक चीज़ अगर हम नोटिस करें तो रैम के बीच में, यहाँ पिंस के बीच में एक कट लगा हुआ है,
और कट की अगर साइड में देखें तो ये पोर्शन कम है और इधर वाला पोर्शन ज़्यादा है। तो सेम ये आइडेंटिफिकेशन आपका स्लॉट पर भी मार्क होता है। यहाँ पर जो कट है, कट के एक साइड पर नंबर ऑफ पिंस कम है और एक तरफ नंबर ऑफ पिंस ज़्यादा है। ये इंडिकेशन इसलिए दिया गया है कि जिससे आप रैम को कभी उल्टा ना लगाएं। रैम को जब भी आप प्लग इन करेंगे तो सीधा करेंगे, जिससे अगर इस तरीके से लगाते हैं तो वो लॉक मैच नहीं होगा और रैम लगेगी नहीं। तो हमेशा रैम को सीधा लगाने के लिए हम लोग वो लॉक की पोजीशन मैच करेंगे और उसके बाद दोनों साइड से रैम को प्रेस करेंगे और ये लॉक्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। ओके, इसके पास में ये जो आप 40 ये 20 पिन का सॉकेट देख रहे हैं, ये है आपका SMPS के लिए सॉकेट। तो SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, जो हमारे सिस्टम में लगा होता है, जो पावर देने का काम करता है, उस पावर सॉकेट को हम यहाँ 20 पिन के सॉकेट्स पर लगाते हैं। उसी SMPS से एक एडिशनली 4 पिन का सॉकेट आएगा जो एडिशनल पावर के लिए होता है, वो हम यहाँ पर प्लग इन करते हैं। ओके, यहाँ 34 पिन का आपको एक फ्लॉपी का सॉकेट दिया गया है, जो जनरली अब नए बोर्ड्स में अवेलेबल नहीं है क्योंकि फ्लॉपी ड्राइव बिल्कुल बेसिकली बंद हो चुका है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गीगाबाइट, इस पर लिखा हुआ है गीगाबाइट की एक्चुअली मदर बोर्ड है, तो इसके नीचे हमारी लगी हुई है रोम, क्योंकि जिस बोर्ड का यानी जिस कंपनी का बोर्ड होता है रोम भी उसी कंपनी की होगी, तो यहाँ गीगाबाइट की रोम लगी हुई है। यहाँ पर जो ये सॉकेट्स देख रहे हैं छोटे वाले ब्लू कलर के, ये इसमें अंदर जो पिनअप है वो एल साइड का एल शेप का एक सॉकेट दे रखा है। इसमें हम लगाते हैं साटा केबल, जिसके थ्रू आप हार्ड डिस्क, आप DVD राइटर या ब्लू डिस्क राइटर को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर एक सॉकेट दिया गया है जिसमें 9 पिन बेसिकली 10 होता है और एक पिन जो है वहाँ पर वहाँ कटा हुआ है। तो मैं अगर ये जूम करके दिखाऊँ आपको, तो इसको अगर देख पाएँ तो एक पिन जो है वो यहाँ पर पिन वहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ये 9 पिन जो है, इसके नीचे अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर USB मेंशन लिखा हुआ है, USB लिखा हुआ है, USB 2.0 का सॉकेट है। तो यहाँ पर USB केबल जो आगे फ्रंट पे हमारे सिस्टम कैबिनेट में जो USB के पोर्ट्स दिए होते हैं, उसकी केबल आप यहाँ पे प्लग इन करेंगे, USB 1, और इस साइड में अगर आप देख पाएँ तो USB 2, और यहाँ पर भी USB आप अटैच कर सकते हैं, USB 2 और USB 3। सिस्टम में कोई भी एडिशनल फैन लगाते हैं तो सिस्टम फैन के लिए आप यहाँ पर भी प्लग इन कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका CMOS बैटरी है, यानी जो हमारे सिस्टम का BIOS और डेट एंड टाइम को अपडेट रखने का काम करता है। बेसिकली जब हमारे सिस्टम में CMOS बैटरी डिस्चार्ज होता है, यानी लो हो रही होती है, तो हमारे सिस्टम में एक जनरल प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग करते हुए प्रेस F1 टू कंटिन्यू, यानी कि हमें बायो सेटअप को हर बार रिफ्रेश करना होता है और डेट और टाइम हमारा बार बार चेंज होता रहता है, तो उसको वापस सेटअप करना होता है। तो इस CMOS बैटरी को जब हम प्लग आउट करते हैं तो इसके साइड में एक यहाँ सॉक पिन टाइप का है, इस पिन को हम पुश करते हैं पीछे की तरफ और CMOS बैटरी ऊपर निकल आती है। इसके बाद आप इस CMOS सेल को, जो लिथियम आयन सेल है, एक ड्राई सेल होता है, जैसे हमारी घड़ी में सेल डालते हैं हम, बिल्कुल उसी तरीके का सेल है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बहुत ईजिली। और वापस इसको जब आप नया सेल लगाएंगे इस तरीके से करने के बाद, आप इसको प्रेस कर देंगे तो ये वहाँ पर अटैच हो जाता है। ये आपका यहाँ पर PCI स्लॉट दिया गया है एडिशनली, ये वाइट कलर का PCI स्लॉट यहाँ पर भी है। PCI स्लॉट पर आप लैन कार्ड वगैरह अटैच कर सकते हैं। ये आपके AGP स्लॉट्स हैं जहाँ पर आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, जो आपके सिस्टम की ग्राफिक को इनक्रीज करेंगे। ओके, और इसके बाद अगर हम आते हैं इस साइड पर, ये जो हमारे पैनल्स दिए गए हैं इस साइड पर, ये बैक पैनल्स जो दिए गए हैं ये साइड, यानी कि जब भी हम मदरबोर्ड को देखते हैं तो मदरबोर्ड पे कुछ इस तरीके का बैक पैनल हमें वहाँ पर दिखाई देता है। इन बैक पैनल्स को लेके भी लोगों के इश्यूज रहते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ें अटैच करनी है, इस तरह के बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं भी एक वीडियो बनाने वाला था, इसी वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ। ये सबसे पहला वाला जो पोर्ट है ये हमारा कहलाता है PS2 पोर्ट, और इसमें जो ग्रीन वाला सॉकेट है और एक पर्पल कलर का सॉकेट दे रखा है। इसमें बेसिकली PS2 पोर्ट में हमेशा 6 पिन्स होते हैं राउंड शेप में, ये राउंड शेप का होता है, और PS2 पर जो ग्रीन कलर स्पेसिफाइड है ये माउस के लिए होता है और पर्पल कलर हमेशा कीबोर्ड के लिए ही अटैच होता है। यानी इस पर्पल कलर पर आप कीबोर्ड अटैच करेंगे और यहाँ ग्रीन कलर पर आप PS2 माउस लगाएंगे। ये 9 पिन सॉकेट दिया गया है आपको, डी टाइप शेप का बना हुआ होता है, इसे डी टाइप 9 पिन कनेक्टर बोलते हैं।
हम इस पे आप वेट मशीन या डिस्प्ले यूनिट या सीरियल माउस अगर आपके पास होता है 9 पिन का तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसके एडिशनली एक और पोर्ट दे रखा है 15 पिन, जिसमें आपको पिन्स जो है जिगजैग फॉर्म में दिखाई देती हैं, एक पिन आगे एक पिन पीछे। ये 15 पिन का VGA पोर्ट है जिस पर हम मॉनिटर की केबल लगाते हैं। इसके बाद आपके USBs दिए गए, 1, 2, 3 एंड 4, 4 USBs आपको यहाँ पर दिए गए जिन पे आप USB केबल लगा सकते हैं। USB केबल के थ्रू आप कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर अटैच कर सकते हैं। पेन ड्राइव भी आप इसी पे लगाएंगे। यहाँ हमें ऊपर एक सॉकेट दिया गया है जो RJ45 कनेक्टर है। इस RJ45 कनेक्टर पर आप लैन केबल लगाते हैं, यानी कि जब भी आप सिस्टम में इंटरनेट लगाएंगे थ्रू अ केबल तो आप वो लैन केबल आप यहीं पर लगाते हैं। इसके साथ में 2 LEDs हैं जो डेटा ट्रांसमिशन को शो करता है। यहाँ पर ऑडियो पैनल दिया गया है। ऑडियो पैनल में 3 सॉकेट्स हैं हमारे, एक पिंक कलर का सॉकेट है, इसमें एक ग्रीन कलर का सॉकेट है और एक ब्लू कलर का सॉकेट है। पिंक कलर बेसिकली हम पिंक कलर सॉकेट को हम कहते हैं लाइन इन, और ग्रीन और ब्लू को लाइन आउट कहा जाता है। लाइन इन का बेसिकली वर्क होता है जब भी, यानी इनपुट कराना है इन, और आउट का मतलब है यहाँ से स्पीकर को हम आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइन इन पर माइक लगाया जाता है जिसके थ्रू हम साउंड इनपुट कराते हैं अपने सिस्टम में, और ग्रीन वाले पर या ब्लू वाले पर हम लोग लाइन आउट कहते हैं। यहाँ पर स्पीकर के पिन्स को डायरेक्टली आप अटैच कर सकते हैं। इन्हीं के पास में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर फिर से एक 9 पिन का सॉकेट दिया गया है। ये रहा, ये 9 पिन का सॉकेट के पास में लिखा हुआ है ऑडियो, F ऑडियो का मतलब होता है फ्रंट ऑडियो। ओके, तो फ्रंट में जो ऑडियो के पिन्स दिए गए, यानी कि स्पीकर और माइक के लिए जो एडिशनल पिन दिए गए, उसकी जो केबल आएगी वो आपकी वो यहाँ पर अटैच होगी। अब इस मदरबोर्ड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये इस बेसिकली सॉकेट का काम क्या है। जो फ्रंट पर आप नोटिस करते हैं तो फ्रंट पे आपको, यानी सिस्टम कैबिनेट की बात करें तो फ्रंट पे आपको एक ऑन ऑफ बटन, एक रीसेट बटन और 2 मेन LED, यानी एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर की LEDs वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ग्रीन कलर LED आपको बेसिकली पावर इंडिकेशन शो करता है और रेड कलर LED आपके हार्डेस्ट यूजेस शो करता है। तो उन सारे पैनल्स के कनेक्शन हम इस पोर्ट पर आके करते हैं। अब किस पिन पर हमें क्या लगाना है उसको शो करने के लिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ जिससे आप इसको प्रॉपरली देख पाएँ। यहाँ अगर हम नोटिस करें सबसे पहला, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पावर बटन, यानी कि यहाँ पर आप लगाएंगे सबसे पहली पिन्स पर आप पावर का जो स्विच है उसको कनेक्शन लगाएंगे। दूसरा है आपका रीसेट का, रीसेट बटन यानी रीस्टार्ट बटन के लिए आप यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद है आपका पावर एलईडी के लिए यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हो, देखिए अब अगर ज़्यादा क्लोज आप देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पर दिखा हुआ है। सबसे पहला है हार्डेस्ट मैसेज, यानी हार्डेस्ट LED के लिए सबसे पहला पिन ये रहा। अब नोटिस करें तो देखिए हार्डेस्ट मैसेज है, PW है पावर के लिए, फिर रीसेट दे रखा है, क्लियर दे रखा है। स्पीकर अगर फ्रंट पे स्पीकर का एडिशनल है, यानी बजर लगा हुआ है हमारे सिस्टम में, तो हम उसको देख सकते हैं। और पावर LED के लिए ये यहाँ पर इस तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड होते हैं। और अगर USB को देख पाए तो USB में 9 पिन दे रखा है। यहाँ पर कुछ और बजर, क्रिस्टल्स, ICs, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मदरबोर्ड पर जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं। सबसे पहले आपका USB, आपका फ्रंट सॉकेट्स के कनेक्शंस, USB दिए गए हैं यहाँ पे एडिशनली, PCI है, AGP स्लॉट्स दिए गए हैं। इधर अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे SATA के पिन्स दिए गए हैं, SATA केबल्स कनेक्ट करने के लिए जिस पर आप हार्ड डिस्क CD DVD लगाएंगे। इसके बाद आपका 20 पिन का कनेक्टर है जिस पर SMPS अटैच करते हैं। ये RAM के लिए 2 स्लॉट्स दिए गए हैं आपके यहाँ पर। और फिर ये है हमारा CPU, यानी CPU का फैन सॉकेट CPU उसके नीचे लगा हुआ है। और ये आपके बैक सॉकेट्स हैं, ये फ्लॉपी के लिए है, ये 4 पिन का एडिशनली SMPS पावर के लिए है। और बैक सॉकेट की तो हम बात कर ही चुके हैं, ये सारे सॉकेट्स यहाँ पर आपको पीछे देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आपको मदरबोर्ड की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। और लास्टली ये हमारी CMOS बैटरी तो होती होती है। तो आज का वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं। इस मदरबोर्ड के बारे में हमने सारी डिटेल्स आपको कंफर्म करा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके कनेक्शंस के साथ प्रॉपर्ली हम सिस्टम को कैसे सेटअप करते हैं, यानी असेंबल किस तरीके से करा जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो इसके रिगार्डिंग होने वाला है। तो
जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।